रंगीला राजा बनकर लौट रहे हैं गोविंदा। 25 साल बाद पहलाज नहलानी के साथ मिलाया हाथ। ऐसा लग रहा है कि गोविंदा एक के बाद एक अपनी फिल्मों के जरिए दोबारा बॉक्स ऑफिस पर छाने के लिए तैयार बैठ गए हैं। अभी हाल ही में उनकी फिल्म फ्राइडे का ट्रेलर रिलीज हुआ था और अब उनकी एक और अपकमिंग फिल्म का पोस्टर आउट हो गया है। ये फिल्म है रंगीला राजा। फिल्म के पोस्टर में गोविंदा येलो शर्ट पहने हुए लड़कियों से घिरे नजर आ रहे हैं। असल में फिल्म का जैसा टाइटल है उस पर ये पोस्टर मुहर लगाता है। फिल्म के पोस्टर में आप देख सकते हैं कि गोविंदा ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया हुआ है। वहीं उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें भी दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गोविंदा का ये अंदाज उनके 80s और 90s के लुक को याद दिलवा रहा है। वैसे रंगीला राजा के पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि गोविंदा और पहलाज नहलानी दोनों ही इस फिल्म के जरिए सक्सेस की अपनी पुरानी कहानी दोहराने के मूड में हैं। इस फिल्म में गोविंदा डबल रोल में दिखाई देंगे। ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। बता दें, रंगीला राजा को लेकर शुरुआत में ऐसी चर्चाएं थी कि ये फिल्म बिजनेसमैन विजय माल्या की बायोपिक है, लेकिन नहलानी ने इस बात से इनकार कर दिया है।